वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट विजन। प्यारे बच्चों, मैं हिंदी साहित्य लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज जैक बोर्ड के लिए। काव्य संग्रह से ली गई रचना उत्साह, जिसके रचयिता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनकी कविता का आज मैं वर्णन करने जा रहा हूं, आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रिय विषय बचपन से रहा है। वो ग्रामीण है और गांव में बादल को देखते ही लोगों में उत्साह आ जाता है और वही बादल को देखकर शुरू से ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के मन में उत्साह आता रहा है। अर्थात बादल निराला जी का प्रिय विषय वस्तु बचपन से रहा है। बादल को देखकर उनके मन में हमेशा कुछ कुछ होता रहा है, इसीलिए उन्होंने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। क्योंकि बादल को जब जनमानस देखता है हमारे यहां, तो किसानों के मन में होता है कि इस बार अच्छी फसल पैदा होगी, उनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। जीव जंतु जो गर्मी से परेशान रहते हैं, उन्हें भी लगती है कि अब प्यास बुझेगी। पेड़ पौधे भी प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके जड़ों तक जल पहुंच जाएगा और वो भी मस्ती से लहलहाकर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार बादल को देखकर हर कोई प्रसन्न होता है और इसीलिए उन्होंने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। कविता में दो स्टेंजा है। पहला जो है वो बादल गर्जों से शुरू हुआ है, ये एक प्रकार का आह्वान गीत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल का आह्वान किया है। ध्यान रखिए, आपको मैंने पहले भी बताया है कि कविता के कुछ अर्थ जो होते हैं वो छिपे होते हैं। ये आह्वान गीत है, ये बादल का आह्वान किया गया है, इसमें बादल का मानवीकरण किया गया है, लेकिन परोक्ष रूप से इसमें भारतीय जनमानस को पुकारा गया है। पहले आते हैं कविता में। कवि निराला जी बादल को कह रहे हैं कि गरज कर बरसो, रिमझिम बारिश होने से धरती की प्यास बुझने वाली नहीं है। गरज कर जब मूसलाधार बारिश होगी तभी धरती की प्यास बुझेगी। बादल का मानवीकरण करते हुए निराला जी कहते हैं कि काले काले बाल दिख रहा है बादल का, बिल्कुल घुंघराले बाल दिख रहा है, बच्चों की तरह। बच्चों के बाल जैसे काले और घुंघराले होते हैं, वैसे बादल भी दिख रहे हैं काले घुंघराले बाल वाले, और उनके हृदय में बिजली की छवि, वज्र जैसी कठोर छवि है जो कि नया जीवन देने वाला है। धरती पर जब गरज कर बरसेगा तो नया जीवन प्रस्फुटित होगा, बीज अंकुरित होकर नए पौधे के रूप में, नन्ना पौधा के रूप में उगेगा। वो एक नई कविता धरती को देने वाला है, धरती को नई कविता देने वाला है बादल। प्यारे बच्चों, सेकंड जो पद्यांश है, स्टैंजा जिसको बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, उसमें कवि कह रहे हैं कि धरती की स्थिति क्या है, धरती के लोगों की स्थिति क्या है। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि बादल का उन्होंने मानवीकरण किया और बादल का वर्णन किया कि वो काले घुंघराले बाल वाले हैं, विद्युत सी छवि है उनके अंदर, वो नई कविता धरती को देने वाले हैं, वो नया जीवन धरती को देने वाले हैं। बादल का मानवीकरण किया गया है। और यहां पर दूसरे पद्यांश में वो कहते हैं कि धरती व्याकुल है, विकल विकल उन्मन दे उन्मन, सारे व्यक्ति व्याकुल हैं, बेचैन हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है धरती पे, प्यासी है धरती, प्यासे हैं लोग, व्याकुल हैं लोग, उन्हें जरूरत है कि बादल गरजे और गरज कर बरसे और उनकी प्यास बुझा दे। दरअसल
ये जो भीषण गर्मी है ना, ये धरती की भीषण भारतवासियों की समस्याओं को उजागर करता है कि भारतवासी समस्याओं से घिरा हुआ, भीषण समस्याओं से घिरा हुआ है। आजादी की लड़ाई चल रही है, लोग परेशान है, उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि निराला भारतीय जनमानस को आह्वान करते हुए लिख रहे हैं कि आप छोटे मोटे जो आंदोलन कर रहे हो, इससे हमें आजादी मिलने वाली नहीं है। छोटे मोटे आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है, बड़ी क्रांति की जरूरत है। बड़ी क्रांति होगी तभी समाज में परिवर्तन आएगा, तभी समाज को सही राह मिलेगी, सही दिशा मिलेगी। सारे लोग दबे कुचले पीड़ित शोषित गरीबी में जी रहे हैं, समाज में कुरीतियां घर की हुई हैं, इन्हें हटाने के लिए एक बड़ी क्रांति की जरूरत है। इसीलिए वो क्रांति का आह्वान लोगों से कर रहे हैं, समाज में बड़े परिवर्तन का आह्वान कर रहे हैं बादल के माध्यम से कि जबरदस्त बारिश हो और प्यास बुझ जाए, अर्थात बड़ी क्रांति हो और समाज में पूरा परिवर्तन आ जाए। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, बादल यहाँ पर परिवर्तन का परिचायक है, बादल यहाँ पर नया जीवन का परिचायक है, बादल यहाँ पर उत्साह देने का परिचायक है, बादल यहाँ पर नई कविता बनाने वाला का परिचायक है, बादल क्रांति का परिचायक है, बादल परिवर्तन का परिचायक है, बादल उम्मीद का परिचायक है। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारतीयों को आंदोलित किया है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। उन्होंने बड़ा ही अच्छा विषय चुना है, उत्साह बादल के माध्यम से, कि लोग भी उत्साहित हो जाएं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन बटन को दबाते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।